ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। व्याख्याता भर्ती परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र इतिहास विषय के भाग 39 तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। भाग 39 के अंतर्गत हमने अध्ययन किया पेशवा काल में मराठा शक्ति के बारे में। यदि आपने इस भाग को नहीं देखा है तो इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इस भाग को देख सकते हैं। आज भाग 40 के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भक्ति आंदोलन का। भक्ति आंदोलन एक इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एक प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, आप नियमित तैयारी हेतु आपको इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नियमित रूप से हर अपडेट प्राप्त होती रहे। अब प्रारंभ करते हैं आज का भाग। इससे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो समस्त प्रकार के पीडीएफ अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है। इसी के साथ आप हमें अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज का भाग, भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भजना या उपासना, अर्थात भक्ति भजन करना या उपासना करना है। भक्ति का जन्म दक्षिण देश से हुआ है, द्रविड़ देश से भक्ति का जन्म माना जाता है और यह भक्ति कर्नाटक से विकसित हुई और गुजरात में जाके जीर्ण हो गई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 7वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिणी भारत से माना जाता है। दक्षिण भारत में इसके प्रतिपादक जो संत थे वो 12 आलवार संत थे। ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इसी के साथ में इस भक्ति आंदोलन के विकास में बाद में योगदान दिया आड़ियार संतों ने। आड़ियार संत ये शैव धर्म के उपासक थे। ध्यान देना, भक्ति को मोक्ष का मार्ग भी बतलाया गया है। भक्ति आंदोलन के यदि आदि पुरुष की हम बात करें तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो माना जाता है वो है शंकराचार्य। ध्यान देना, शंकराचार्य को भक्ति परंपरा का जनक माना जाता है, लेकिन रामानुजाचार्य को इस आंदोलन का प्रतिपादक माना जाता है। भक्ति तथा धार्मिक आंदोलनों का सूत्रपात दक्षिण भारत से ही संपूर्ण भारत में हुआ। भक्ति और धार्मिक आंदोलन 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य के द्वारा दक्षिण से ही संपूर्ण भारत में प्रतिपादित हुए। उत्तर भारत में यदि भक्ति आंदोलन की बात करें तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक माने जाते हैं रामानंद। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। अब हम आज अध्ययन करेंगे भक्ति आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण संतों के बारे में। इनमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं शंकराचार्य का। शंकराचार्य, इनका जन्म कलादी ग्राम केरल के अंतर्गत हुआ। इनके पिता शिवगुरु और माता आर्यम्बा थी। शंकराचार्य के द्वारा चारों दिशाओं में चार महत्वपूर्ण पीठों की स्थापना की गई। इनमें बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ और शारदा पीठ की स्थापना इनके द्वारा की गई द्वारकापुरी में, और तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक में इन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद इस सिद्धांत का प्रणयन किया गया। ध्यान देना, शंकराचार्य से संबंधित यदि प्रश्न पूछा जाता है तो ये तो इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और इनके द्वारा जो चार पीठें स्थापित की गई चारों दिशाओं में, इन दोनों से प्रश्न निश्चित रूप से बनता है। अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद में ब्रह्म को ही परम सत्ता माना गया है। इनके द्वारा स्मृति संप्रदाय का प्रतिपादन किया गया। तो ये बात थी शंकराचार्य के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 ईस्वी में तिरुपति आंध्र प्रदेश में हुआ। रामानुजाचार्य के गुरु
यमुनाचार्य थे। ब्रह्म सूत्र पर रचित संस्कृत की इनकी एक रचना है जिसका नाम है श्री भाष्य। वैष्णव धर्म का प्रतिपादित इनके द्वारा जो संप्रदाय था वह है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय का केंद्र इन्होंने तिरुपति को बनाया। भक्ति का नया दर्शन या सिद्धांत इनके द्वारा विशिष्ट विशिष्टाद्वैतवाद प्रतिपादित किया गया। ध्यान देना, ये जो चार वाद है इनको थोड़ा महत्वपूर्ण याद रखना। एक तो शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का ये विशिष्टाद्वैतवाद, आगे आएगा निंबाकरचार्य का द्वैतवाद और माध्वाचार्य का द्वैतवाद। ये चारों याद रखना, इनसे एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। तो अद्वैतवाद हो गया शंकराचार्य का और विशिष्टाद्वैत हो गया रामानुजाचार्य का। इस दर्शन में पूजा और आराधना जो की जाती है वह राम को पर ब्रह्म मानकर उसकी की जाती है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि रामानुज संप्रदाय में जो पूजा अर्चना की जाती है वो राम की पर ब्रह्म के रूप में की जाती है। राम की पूजा के कारण ही यह संप्रदाय रामानवत संप्रदाय कहलाया। इसके जनक मध्यकालीन भक्ति परंपरा के संत हैं। भक्ति आंदोलन के यदि प्रथम संत की बात करें तो इसके प्रथम संत 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए। रामानुज ने अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीव जगत तथा ईश्वर को मूल तत्व माना। प्रकृति का मूल तत्व उन्हें जीव जगत और ईश्वर को माना। रामानुज के समकालीन दक्षिण भारत के संत हुए वो थे निंबकाचार्य। निंबकाचार्य ये रामानुज के समकालीन ही दक्षिण भारत के संत थे। अब हम अध्ययन कर लेते हैं निंबकाचार्य के बारे में। निंबकाचार्य का जन्म वेल्लारी मद्रास में 12वीं शताब्दी में हुआ। इनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की गई। ध्यान देना, इसके अन्य नाम की बात करें तो नियमानंद और निम्बादित्य भी इनके नाम प्राप्त होते हैं। निंबकाचार्य को जो अवतार माना जाता है उसकी तरफ यदि हम ध्यान दें तो इन्हें सुदर्शन चक्र का, या यूं कहें कि हंस संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय का भी अवतार माना जाता है। इनके द्वारा वेदांत पारिजात भाष्य, इनके द्वारा वेदांत पारिजात भाष्य की रचना की गई। वैष्णव भक्ति का नया दर्शन इनके द्वारा जो दिया गया वो अभी बात कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है द्वैत अद्वैत भेदाभेद। ध्यान देना, द्वैतवाद की बात करें, अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य के द्वारा और द्वैत अद्वैत या निम्बकाचार्य के द्वारा। राधा कृष्ण की इन्होंने युगल रूप से पूजा की, उपासना की। इस संप्रदाय में श्री कृष्ण की परिणीता राधा को माना गया है। अब हम बात करते हैं माध्वाचार्य के बारे में। माध्वाचार्य का जन्म 1199 ईस्वी में उडीपी नगर कन्नड़ जिला में हुआ। इनके द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई। गोड़स्वामी द्वारा अधिक प्रचारित किए जाने के कारण यह संप्रदाय गोड़िय संप्रदाय कहलाया। इनके द्वारा जो रचना की गई वो थी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य की। इनके द्वारा प्रतिपादित जो दर्शन था वह था द्वैतवाद। भाई ध्यान रखना, इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से बनता है, अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैतवाद्वैत निम्बकाचार्य और द्वैतवाद ये माध्वाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस संप्रदाय को नया रूप देकर जन जन तक फैलाने का कार्य किया गौरांग महाप्रभु चैतन्य के द्वारा। अब हम बात करते हैं रामानंद की। रामानंद, इनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ। इनके द्वारा रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की गई। इनके गुरु थे रामानुजाचार्य। इनको उत्तर भारत में भक्ति परंपरा के प्रवर्तक होने का श्रेय प्राप्त है। इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। ये पहले संत थे जिन्होंने
अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में दिए। इनके प्रमुख शिष्यों की यदि हम बात करें तो इनके प्रमुख शिष्य थे धन्ना, कबीर, रैदास, पीपा, सेनानाई, शगना, कसाई इत्यादि, ये इनके शिष्य थे। अब हम बात करते हैं अगले संत कबीर की। कबीर, इनका जन्म 1440 ईस्वी में हुआ। इनके गुरु थे रामानंद। ये निर्गुण भक्ति धारा के संत थे। इनके समकालीन यदि दिल्ली के सुल्तान की बात करें तो दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे। कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो बीजक इस ग्रंथ में संकलित हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कबीर की मृत्यु से। हिंदू और मुस्लिमों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य ये करते थे। ध्यान देना, हिंदू और मुसलमानों को शिक्षा ये साखी के माध्यम से प्रदान करते थे। राम खुदा गोविंद एक ही है, ये उक्ति इन्हीं की है। इनके द्वारा साखी, शबद, रैमनी, ये इनके द्वारा लिखित ग्रंथ है जिनसे शिक्षा प्रदान करते थे। अब हम बात कर लेते हैं वल्लभाचार्य की। वल्लभाचार्य का जन्म 1481 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान है वाराणसी। ये तैलंग ब्राह्मण थे जाति से। इनके द्वारा शुद्ध अद्वैत दर्शन की स्थापना की गई। इनके द्वारा जो रचना की गई वो थी दार्शनिक रचना अणुभाष्य। ये अणुभाष्य इनकी रचना थी। इनके द्वारा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की गई। पुष्टि मार्ग मत इनके द्वारा प्रतिपादित मत था। इन्होंने धार्मिक ग्रंथ की रचना की, वो थे सिद्धांत रहस्य और सुबोधिनी टीका। श्रीनाथ मंदिर की स्थापना इनके द्वारा वृंदावन में की गई। वल्लभ संप्रदाय की पीठ की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की पीठ नाथ द्वारा में स्थित है। वल्लभाचार्य ये कृष्णदेव जो विजयनगर के राजा थे उनके संरक्षण में रहे। वल्लभाचार्य का पुत्र था विठलनाथ। विठलनाथ ही वल्लभाचार्य के उत्तराधिकारी थे। विठलनाथ ने ही अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी, गठन किया था अष्टछाप कवि मंडली। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अष्टछाप कवि मंडली, इसकी स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ के द्वारा की गई थी। अब हम बात करते चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म नवद्वीप या नदिया बंगाल में हुआ था। चैतन्य के वास्तविक नाम की यदि हम बात करें तो चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वंभर। इनके बचपन का नाम निमाई था। वैष्णव धर्म का संस्थापक इन्हें बंगाल में माना जाता है। बंगाल में वैष्णव धर्म के संस्थापक चैतन्य को ही माना जाता है। इन्होंने प्रताप रुद्र गजपति जो उड़ीसा के राजा थे उनका संरक्षण प्राप्त किया। इनके द्वारा अचिंत भेदाभेद संप्रदाय या यूं कहें कि गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की गई। इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से भी जाना जाता है और इनकी पूजा गौरांग महाप्रभु के नाम से ही की जाती है। इन्होंने ईश्वरपुरी के वैष्णव जो संत थे उससे दीक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने गोसाई संघ स्थापित किया। इनके द्वारा गोसाई संघ की स्थापना की गई। अब हम बात करते हैं अगले संत नामदेव की। नामदेव का जन्म महाराष्ट्र में दर्जी परिवार में हुआ। युवावस्था में ये डाकू का कार्य करते थे। अनेक भक्ति परक मराठी गीतों की रचना की इनके द्वारा और इन मराठी भक्ति परक गीतों को अभंग के नाम से जाना जाता है। इन्होंने गृहस्थ भक्ति को मोक्ष का साधन माना। ये मोक्ष का साधन मानते थे गृहस्थ भक्ति को। इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। भी टिक करो इसको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है कि नामदेव के द्वारा किस संप्रदाय की स्थापना की गई। तो नामदेव द्वारा स्थापित संप्रदाय था बरकरी संप्रदाय। ये पंढरपुर के विठोबा के भक्त थे। नामदेव पंढरपुर के जो विठोबा थे उनके भक्त थे। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र धर्म की।
महाराष्ट्र धर्म की बात करें तो उपासना का इसका प्रमुख केंद्र विठ्ठल का मंदिर माना जाता है। इनके देवता विठोबा और जगह है पंढरपुर। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जो संप्रदाय थे उनकी यदि हम बात करें तो उनमें वर्करी संप्रदाय और धरकरी संप्रदाय ये प्रमुख हैं। महाराष्ट्र में रहस्यवादी आंदोलन का स्रोत संत ज्ञानेश्वर थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार की बात करें तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के सूत्रधार थे संत नामदेव। अब हम बात कर लेते हैं संत तुकाराम की। संत तुकाराम, इन्होंने भक्ति का प्रमुख केंद्र विठोबा मंदिर पंढरपुर को बनाया। ये जन्म से शूद्र थे और इन्होंने शिवाजी की भेंट लेने से मना कर दिया था। शिवाजी इनको भेंट देने गए थे, संत तुकाराम ने शिवाजी की भेंट लेने से मना कर दिया था। ये शिवाजी के समकालीन थे। इनका जन्म 1608 में देही पूना के पास में हुआ था। संत तुकाराम कबीर दास जी के जो विचार थे उनका समर्थन करते थे। ये वर्करी संप्रदाय से ही संबंधित थे। अब हम बात कर लेते संत ज्ञानेश्वर की। संत ज्ञानेश्वर, भक्ति संत ज्ञानेश्वर का उदय 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ। इन्हें देवगिरी के शासक का संरक्षण प्राप्त था। मराठी भाषा में भागवत गीता पर इनके द्वारा ज्ञानेश्वरी नाम की टीका लिखी गई। इनके द्वारा जो दो रचनाएं की गई उनमें अमृता अनुभव और चंगदेव प्रशस्ति महत्वपूर्ण है। अगले संत हैं एकनाथ जी। संत एकनाथ का जन्म पैठण पैठण में हुआ और ये पैठण औरंगाबाद के अंतर्गत आता है। संत एकनाथ के द्वारा टीका भी लिखी गई और यह टीका गीता के 4 श्लोकों पर लिखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं अगले संत रामदास की। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और इनके द्वारा एक रचना भी की गई और स्वामी रामदास जी की जो रचना उसका नाम है दासबोध। अगले संत है गुरु रैदास। इन्हें रविदास के नाम से भी जाना जाता है। रैदास का जन्म काशी में हुआ। ये जाति से चरमकार थे और रैदास के गुरु थे रामानंद। इनके द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय था रायदासी संप्रदाय। संत रैदास के जो प्रवचन थे उपदेश थे इनका संकलन रैदास की पर्ची में किया गया है। अगले हमारी आज की श्रृंखला के संत हैं संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। इनके अनुयायियों ने गुजरात में एक आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था निपख आंदोलन। निपख आंदोलन संत दादू दयाल के समर्थकों द्वारा चलाया गया था। दादू पंथ की स्थापना नरेना नरेना में की गई। रही नरेना जयपुर में स्थित है। इससे एक बात राजस्थान जी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनता था। संत दादू की मृत्यु 1603 ईस्वी में हुई। इनके द्वारा जो प्रमुख शिक्षा दी गई वह शिक्षा थी कि विनयशील बने रहो और अहंकार से मुक्त रहो। ये संत दादू दयाल की महत्वपूर्ण शिक्षा थी। अब हम अगली भक्ति संत की बात करें तो वो है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में कुड़की मेड़ता के अंतर्गत हुआ। मीराबाई के पिता की बात करें तो इनके पिता श्री रतन सिंह थे और दादा इनके थे राव दूदा। इनके बचपन के नाम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इससे बनता है। मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। भोजराज ये मेवाड़ के राजा जो राणा सांगा थे उनके बड़े पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र थे। मीराबाई संत रैदास की ही शिष्या थी। पति की मृत्यु के बाद में मीराबाई चित्तौड़ को छोड़कर चली गई और चित्तौड़ छोड़ने के बाद वो वृंदावन गई। मीराबाई की मृत्यु भी एक अजीब रहस्य। इनकी मृत्यु रणछोड़ मंदिर डाकोर गुजरात में हुई। अब हम बात करते हैं अगले भक्ति संत धन्ना जी की। संत धन्ना जी का जन्म धोन गांव टोंक में 1415 ईस्वी में हुआ। संत धन्ना जी जाति से जाट थे। ये रामानंद इनके गुरु थे। संत धन्ना जी के गुरु रामानंद थे। संत तुलसीदास इससे भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है।
संत तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर ग्राम बांदा जिला उत्तर प्रदेश में हुआ। संत तुलसीदास जी जो थे ये अकबर के ही समकालीन थे। इनके गुरु थे संत नर हरिदास। इनके द्वारा सगुण भक्ति धारा को प्रवर्तित किया गया। इनके द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। संत तुलसीदास की जो भाषा थी वो अवधी थी। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो उनमें प्रमुख रचनाओं में गीतावली, कवितावली और विनय पत्रिका इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनसे भी काफी प्रश्न बनते हैं। अब हम बात करते हैं अगले भक्ति संत सूरदास की। सूरदास जी अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने वल्लभाचार्य से गुरु दीक्षा ली थी और इनके द्वारा अष्ट छाप मंडली में इन्होंने अपना स्थान बनाया। ये सगुण भक्ति धारा में राधा कृष्ण की भक्ति करते थे। सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे काफी प्रश्न पूछा जाता है, यदि हम उनकी बात करें तो सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। ये अधिकतर जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में ही करते थे। अगले संत की बात करें संत मलुकदास जी, इनका जन्म 1474 ईस्वी में कड़ा स्थान इलाहाबाद में हुआ। जाति से ये खत्री थे और कंबल बेचने का काम करते थे। ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक बहुत कट्टर थे। अगले संत है नरसिंह मेहता। 15वीं शताब्दी के प्रमुख संत गुजरात में यदि कोई हुए तो वो थे नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता गुजरात के 15वीं शताब्दी के प्रमुख संत थे। गांधी जी का प्रिय भजन जिसकी रचना की गई इनके द्वारा वो थी वैष्णव जन तो तेनो कहिए। ये इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध एक भजन है। अंतिम संत की हम बात कर लेते हैं आज के इस चैप्टर के अंतिम संत हैं संत शंकरदेव। ये असम के संत थे। इनके द्वारा शरण संप्रदाय की स्थापना की गई थी। तो आज के इस भाग में हमने अध्ययन किया कुछ प्रमुख संत भक्ति आंदोलन के संतों के बारे में। इससे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाना सुनिश्चित है, इसलिए इस पार्ट को थोड़ा ध्यान से देखें। यदि आप हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहना चाहते हैं और परीक्षा उपयोगी स्वयं निर्मित ओरिजिनल सामग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ज्ञानधारा चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसके अलावा हमारी समस्त वीडियो देखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें ज्ञानधारा हर्षोली। आपको सबसे ऊपर हमारे चैनल का लोगो दिखाई देगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पर क्लिक करने पर हमारी समस्त वीडियो उपलब्ध हो जाएंगी। नमस्कार।